तो भाई लोग वो दिन आ चुका है जिसका आप सालों से इंतजार कर रहे थे, यानी कि स्कॉर्पियो 2022 कब लॉन्च होगी। बहुत लोगों के कमेंट आते हैं ब्लैक कलर आएगा नहीं आएगा, कब लॉन्च होगी, क्या प्राइस होगी, क्या स्पेसिफिकेशन होंगे। तो फाइनली हम स्कॉर्पियो की आपको एक और वीडियो लेके आ चुके हैं। इस वीडियो में महिंद्रा ने ऑफिशियली खुद ने इंटीरियर को अनवील कर दिया है कि आपको किस तरीके से इस गाड़ी के अंदर इंटीरियर को देखने को मिलने वाला है। डैशबोर्ड की आप लुक चेकआउट कर सकते हो, आपको नो डाउट काफ़ी अपीलिंग लगने वाला है। इंफोटेनमेंट सिस्टम देख लो, सोनी का आपको इसके अंदर सिस्टम मिल जाएगा। बाकी डीलरशिप के जो फोटोज लीक हो चुके हैं वो भी आपके स्क्रीन पर आपको नज़र आ रहे होगी। गाड़ी डीलरशिप पर आना शुरू हो चुकी है क्योंकि लॉन्च अब बहुत ही नज़दीक ही आ चुका है गाड़ी का। बाकी डैशबोर्ड पर स्कॉर्पियो एन की आपको बैजिंग मिल जाएगी, तो काफ़ी तगड़ी गाड़ी आ रही है। अब बात कर लेते हैं सबसे पहले इंफोटेनमेंट सिस्टम, वो ये आपको 10 इंच के आसपास का जो इंफोटेनमेंट सिस्टम वो इसके अंदर देखने को मिलेगा। और डीलरशिप पर ये गाड़ी अराइव हो चुकी है, तो वहाँ पर आपको जो फोटोज़ हैं वो बगल में आप देख सकते हो कैम पर खड़ा है इसकी एक बॉडी, वो आपको नज़र आ रही होगी। बाकी गाड़ी के अंदर इंटीरियर एक्सटीरियर पहले ही लीक हो चुका था, अब ऑफिशियली इसका इंटीरियर लीक किया गया, मतलब डैशबोर्ड को लीक किया गया है। और ये गाड़ी आपको वेंटिलेटेड सीटें मिल जाएंगी आपको फ्रंट रो की हैं, जो बाकी 7 सीटर एंड 6 सीटर ऑप्शन दोनों के अंदर आपको गाड़ी अवेलेबल है। स्टीयरिंग व्हील देख सकते हो आपको काफ़ी तगड़ा लग रहा है, और महिंद्रा का न्यू लोगो की तो मतलब बात ही अलग होती है कि आपको किस तरीके से लगता है। मुझे तो काफ़ी पर्सनली महिंद्रा का न्यू लोगो पसंद आता है। बाकी इस गाड़ी को 27 जून को इंडिया के अंदर लॉन्च किया जाने वाला है कि अनवील और लॉन्च मुझे लगता है दोनों एक साथ हो जाएंगे इस गाड़ी के, क्योंकि जिस हिसाब से गाड़ी को डीलरशिप पर अराइव किया गया है तो लॉन्च ही है, अनवील तो नहीं है, मतलब कम्प्लीटली लॉन्च ही हो जाएगी गाड़ी प्राइजिंग के साथ ही। और आपको कब से अवेलेबल होगी डीलर मतलब ख़रीदने के लिए, तब बाकी बातें तब कर लेंगे। बाकी आप बस 27 जून का इंतज़ार करते हैं और आपको वो क्राउंड वीडियो 27 तारीख को ही इसके चैनल पर मिल जाएगी। उससे पहले बस आप एक ही काम कर सकते हो, अगर नए हो चैनल पर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर सकते हो। और बाकी डायमेंशंस इसकी स्कॉर्पियो के बराबर ही आपको देखने को मिलेंगी। इस वीडियो में इतना ही यारों, मिलते हैं नेक्स्ट डे नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें।